हाय एवरीवन, इन प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड विलिंगसन कैटलिस्ट। आज हम डिस्कशन करेंगे क्या है हाइड्रोफॉर्मिलेशन, और जिसको हम प्यार से ऑक्जो प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोफॉर्मिलेशन में होता क्या है, द रिएक्शन ऑफ एल्किन अच्छा विथ ये क्या है CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कैटलाइज बाई कोबाल्ट और रोडियम कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस टू फॉर्म एल्डिहाइड कंटेनिंग वन कार्बन एटम मोर देन ओरिजिनल एल्किन इज कॉल्ड हाइड्रोफॉर्मिलेशन। क्या बोला, द रिएक्शन ऑफ एल्किन, एल्किन को किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के साथ कैटलिस्ट क्या होगा, कोबाल्ट और रोडियम कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कैटलिस्ट यूज होगा। देन क्या होगा, हमें एक कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म होगा जिसमें एक कार्बन एटम मोर देन होगा हमारा एल्किन से। अच्छा कैसे, देखो ये था हमारा, अगर हम R CH2, ठीक है, तो ये था हमारा एल्किन, इसको जब एंड यहां पर हमारा रोडियम और कोबाल्ट जो कार्बोनाइल वाला कैटलिस्ट यूज करेंगे। ठीक है, कैटलिस्ट यूज करें, क्या फॉर्म होगा, एक एल्डिहाइड फॉर्म होगा और एक मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म होगा जिसमें मोर देन वन कार्बन एटम होगा एज कंपेयर टू हमारा जो एल्किन लिया था। देखो इसमें कितना है, एक दो तीन, मतलब 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 देख रहे हो, RCH CH2COH। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी सर, कैटालिटिक साइकिल इंपोर्टेंस होता है, ये होता है कैटालिटिक साइकिल। देखो हमने क्या लिया था, CO2 सीओर होलाइड प्लस हाइड्रोजन क्या है, ये क्या हुआ HCO सीओर होल पर एंड माइनस CO क्या HCO सीओर थे। ठीक है, ये कैटलिस्ट लिया था हमने, कोबाल्ट कैटलिस्ट। इसमें पहले क्या हमने किया, क्या जो एल्किन लिया था उसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब ऐड किया तो हुआ क्या, क्या होगा, यही हमारा एंड में था, यही इससे इसमें से मतलब इसी में हमारा CH2CH ऐड होगा। देखो CO ये था COH CO CO CO, 3 CO ग्रुप हो गया, देन हमारा CH2 CHR। ठीक है, जब एल्किन ऐड हो गया अब क्या होगा, डबल बॉन्ड आ गया, अब 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। ठीक है, 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ये हमारा एल्किन जो था CH2 CH2 एल्केन बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस CO कर देंगे, माइनस CO करेंगे नहीं प्लस CO करेंगे, इसमें से एक CO ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ से निकाल लिया था CO ऐड कर दिया, हाँ जी सर CO ऐड कर दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में माइग्रेटरी इंसर्शन, तो CO सी डबल बॉन्ड वो ऐड हुआ था, वो माइग्रेटरी इंसर्शन हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ जी सर। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन, हाइड्रोजन ऐड कर दिया, हाँ जी सर हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन, हमारा जो RCH2CH2 इसको हमने निकाल लिया, बाकी जो था पहले वही रहेगा। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट यही तो बना था एंड हमने यही तो दिया था। ठीक है, पहले इसी कैटलिस्ट का यूज किया, इसमें CH2 CH2 डबल बॉन्ड CHR मतलब एल्किन का ऐड किया। ठीक है, और एंड में क्या है, देखो जब हमने लिया था क्या लिया था, एल्किन लिया था RCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें CO एंड H2 ऐड किया था, हाँ जी सर, कैटलिस्ट यूज किया था ये वाला कैटलिस्ट, तो हमें कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग वन कार्बन एटम मोर देन द एल्किन। ठीक है, यही मिला था सर, हमें तो पता नहीं चला ये इसका काम कहाँ है, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसा है क्या, देखते देखते क्या कहाँ है। देखो पहले ये वाला कैटलिस्ट हो गया, ठीक है, ये कैटलिस्ट हो गया, देन पहले ये एल्किन हो गया, हाँ जी सर ये मिल गया, देन 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन। ठीक है, देखो एल्किन हो गया सर, एल्किन तो हो गया पता चल गया, देखो यहाँ पे कैटलिस्ट लिया था, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये सोच रहे ना सर, इसमें तो एल्किन लिया था CO H2 देन कैटलिस्ट यूज किया था, लेकिन इसमें कहाँ काम में आया, ये हाइड्रोजन कहाँ काम में आया, ये CO कहाँ काम में आया, ये कैटलिस्ट सब कैसे काम में आया, इसको कैटलिटिक साइकिल बोल रहे हो। ठीक है, वही तो बता रहा हूँ, देखो ये कैटलिस्ट लिया था CO2 CO4H8। ठीक है, मैंने क्या बोला था, कोबाल्ट और रोडियम कार्बोनाइल वाला कॉम्प्लेक्स ये लिया था CO2 CO4H8। देखो ये जो हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन ही ऐड हुआ था। ठीक है, मैंने हमने एंड में ये कंपाउंड मिला था। ठीक है, तो इससे क्या है, पहले एल्किन ऐड हुआ, देखो हाइड्रोजन आ गया, एल्किन आ गया, ठीक है ये आ गया, देन हाइड्रोजन का काम किया था यहाँ पे, 1 2 इंसर्शन, 1 2 माइग्रेटरी इंसर्ट हो गया, ये हमारा क्या हुआ, एल्किन हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देन ये CO, देखो नेक्स्ट इसमें क्या हुआ, इसमें प्लस CO हुआ है,
आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ था, यहाँ पे यहाँ पर सी ओ ऐड हो गया, देन माइग्रेटरी इंसर्शन, देन एंड में हमें प्रोडक्ट मिल गया। समझ में आ गया एंड प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये एंड में एलिमिनेट हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड, एक बार देख लो अच्छे से। चलो आगे चलते हैं, अब कुछ इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट ऑपरेट्स एट हाई टेम्परेचर। अच्छा, जनरली कितना होता है, 140 डिग्री सेल्सियस टू 175 डिग्री सेल्सियस एंड हाई प्रेशर 200 से 250 एटीए। स्ट्रेट चेन एज वेल एज ब्रांच चेन एल्डिहाइड फॉर्म, ठीक है, स्ट्रेट चेन भी, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन एल्डिहाइड हमारा फॉर्म हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है इसमें सिर्फ स्ट्रेट चेन फॉर्म होगा, ऐसा भी नहीं है इसमें सिर्फ ब्रांच चेन फॉर्म होगा, ठीक है, दोनों ही फॉर्म हो सकते हैं। स्ट्रेट चेन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल चेन, एंड ब्रांच चेन हमारा आइसो होता है, न्यू होता है। मान लो एन टू आइसो मतलब नॉर्मल टू ब्रांच चेन का रेशियो हम लिखे, हमने डिफाइन करना है, तो क्या होगा, द एन इज टू आइसो रेशियो इज फाउंड टू 3:1 व्हिच इज नॉट गुड रेशियो। मतलब इसमें नॉर्मल चेन स्ट्रेट चेन का दबदबा ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि रेशियो देखो 3:1, अगर फॉर्म फॉर्म हो रहा है फॉर्म मॉलिक्यूल, इसमें से 3 हमारा एन होगा तो 1 हमारा आइसो होगा, ठीक है। तो हमारा दबदबा किसका है, नॉर्मल का है, मतलब स्ट्रेट चेन का है। द एन इज टू आइसो रेशियो इज शुड बी हाई बिकॉज स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड आर मोर बायोडिग्रेडेबल। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है, स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड आर मोर बायोडिग्रेडेबल, इसीलिए हमारा स्ट्रेट चेन ज्यादा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मोनोसांटू, नेक्स्ट देखते हैं हम मोनोसांटू एसिटिक एसिड प्रोसेस क्या है। सर मोनोसांटू एसिटिक एसिड प्रोसेस नाम तो कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है, देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लैसियल एसिटिक एसिड, ग्लैसियल एसिटिक एसिड के लिए बेस्ट मेथड होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस होता है मोनोसांटू एसिटिक एसिड प्रोसेस। इसमें होता क्या है, पहले H2 कार्बन के साथ मिलेगा, क्या फॉर्म है, CO प्लस H2, इसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस गैस। देन H2O प्लस CO के साथ अगर मिलेंगे CO2 प्लस H2, इसको क्या बोलते हैं, वाटर गैस, ठीक है। देन 2H2 प्लस CO जिंक कॉपर एंड ऑक्साइड देंगे CH3OH, देन CH3OH CO के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रोडियम कैटलिस्ट हमें क्या देगा, एसिटिक एसिड। देख रहे हो एक प्रोसेस में नहीं है, पहले क्या हुआ, पहले वाटर एंड कार्बन का रिएक्शन हुआ, हमें CO मतलब कार्बन मोनो CO एंड H2 मतलब सिंथेसिस गैस फॉर्म हुआ, देन H2O वाटर का CO के साथ रिएक्शन हुआ, ये जो CO यहाँ से निकाला था ये यहाँ रिएक्शन हुआ, CO2 प्लस H2 हुआ वाटर गैस, ठीक है, CO2 प्लस H2 वाटर गैस, इसको क्या बोलते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ये आप 11th 12th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। देन हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ CO का रिएक्शन हुआ, जिंक और कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में हमें क्या मिला, अल्कोहल मिला, मिथेनॉल, ये क्या है, इसका नाम क्या है, मिथेनॉल। नाम तो आप सुना होगा और कंपाउंड को तो आप पहचानते होंगे, ठीक है। देन ये क्या होगा, मिथेनॉल को जब कार्बन CO के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रोडियम कैटलिस्ट हमें क्या मिलेगा, एसिडिक एसिड, ठीक है। इंपोर्टेंट क्या है सर, कैटालिटिक साइकिल इंपोर्टेंट है, हाँ जी सर कैटालिटिक साइकिल इंपोर्टेंट है। देखते हैं, देखो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स कैटलिस्ट, माइग्रेटरी इंसर्शन किया गया, हाँ जी सर, एक मतलब एक CO जाके यहाँ लग गया, सी डबल बॉन्ड हुआ, CH3 हो गया, देन प्लस CO, एक CO ऐड किया गया हमें, प्लस CO हुआ, ठीक है। देन रिडक्टिव एलिमिनेशन, सर रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या है, रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ हमारा CO CH3 CH3 COI CH3 COI रिड्यूस मतलब चले गए, बाकी क्या रह गया, रोडियम 2 कुबा का CO ग्रुप एंड 2 I ग्रुप, ठीक है। रोडियम 2 ये रह गया, हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या चला गया, CH3 COI, ठीक है, CH3 COI। अच्छा, देन फिर ये ऑक्सीडेटिव एडिशन होके, इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन किया, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ सर, फिर CH3I इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, देखो ये जो CH3I आया ये ऑक्सीडेटिव एडिशन होके हमें ये जो लिया था हमने वो तो मिल गया। सर ये इधर यह क्या लिखा गया, इतना सा क्या लिखा गया, वही तो देखते हैं, इधर क्या लिखा गया देखते हैं। देखो ये था CH3COI, इसको हमने H2O दिया, H2O दिया तो क्या फॉर्म हुआ, CH3COOH फॉर्म हुआ एंड क्या फॉर्म हुआ, HI, CH3COOH एंड HI, ठीक है। देन क्या हुआ सर, CH3OH के साथ HI रिएक्शन किया तो हमें क्या मिला, CH3I, ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये एक्चुअली हुआ क्या, CH3OH के साथ
एच आई रिएक्शन किया तो क्या मिला हमें, सी एच थ्री आई प्लस एच टू ओ। ठीक है, ये देखो यहाँ से मतलब ये एरो का मतलब ये इसके साथ रिएक्शन किया, ये मिला एंड ये मिला। ठीक है, देन ये इसके साथ रिएक्शन किया, हमें ये मिला एंड ये भी मिला। ठीक है, तो यही तो है साइकिल का मतलब, समझ में आ गया। हाँ जी सर। सो आज का क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वॉकर प्रोसेस के बारे में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।